सो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी एस इलियट. इसका फर्स्ट पोर्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है देन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो पे डायरेक्ट जंप ऑन करके आप इसका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव मिस कर दोगे. सो इन ऑर्डर टू गेट द एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पोएट्री यू शुड गो एंड वॉच पार्ट वन. ओके, सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हियर वी आर मूविंग अहेड विद द पोएट्री इटसेल्फ. सो द पोएट सेज और द स्पीकर सेज, लेट अस गो देन यू एंड आई. When the evening is spread out against the sky, like a patient arthritized upon a table, let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreat of restless nights in one-night cheap hotels, and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. ओह डू नॉट आस्क वॉट इज इट लेट एस गो एंड मेक आर विजिट. तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बताया था इन माई प्रीवियस वीडियो की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जहाँ पे स्पीकर है. तो आई इज द स्पीकर, तो एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है जो डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है अपने लिसनर को, यू को. सो यू कैन बी एनी वन, हम सब लिसनर हैं, हम सब रीडर्स हैं हु आर लिसनर्स ऑफ द एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक, जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के लिसनर्स हैं. सो आई इज द स्पीकर हियर एंड यू इज द लिसनर एंड रीडर. तो सबसे पहले तो पोइट क्या बोलता है, स्पीकर क्या बोलता है, लेट अस गो देन, कि चलो तुम मेरे साथ चलो. लेट अस गो देन व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब चारों तरफ शाम हो जाए, जब चारों तरफ इवनिंग हो जाए, सनसेट हो जाए. सो व्हाइल द सन गोज टुवर्ड्स वेस्ट, सो स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, सो जब पूरे स्काई में शाम छा जाए, जब रात अप्रोचिंग हो. तो आप यहाँ पे देख सकते हो Initially, on the very first context, अगर poet बात कर रहा है तो all about evening. Evening is a symbol of sadness, a symbol of a kind of bit lack of confidence, and a kind of हम बोल सकते हैं हमारी जिंदगी में on a pin point हम लोग जब बहुत ज़्यादा disappointed होते हैं या हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती है. So evening is the signal of approaching night, कि night approach कर रही है, which means we are leading towards depression, we are leading towards death. ठीक है, सो दैट्स वाई द पॉइंट इज यूजिंग हियर द सीन ऑफ इवनिंग दैट स्प्रेड्स ऑल अगेंस्ट द स्काई. अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो उस इवनिंग को, उस शाम को कंपेयर कर रहा है विद अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल. तो जैसे कोई पेशेंट होता है ना, एथराइज्ड इज बेसिकली जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और वो फेंट पोजिशन में जैसे लेटा हुआ रहता है ना, बिल्कुल डल, बिल्कुल निल, लाइफलेस बॉडी की तरह वो वहां पे लेटा हुआ रहता है, वैसे ही इवनिंग है. तो इवनिंग अकॉर्डिंग टू पॉइट इज अ काइंड इज लाइक अ पेशेंट हु इज फेंटली स्लीपिंग ओवर अ टेबल, हु इज फेंटली स्लीपिंग ओवर अ टेबल, लाइंग ऑन अ टेबल, राइट. तो इस तरीके से पॉइट जो है वो इवनिंग का कंपेरिजन कर रहा है, सिमिली का यूज कर रहा है, एंड ही इज कंपेयरिंग इवनिंग विद अ पेशेंट हु इज फेंट, लाइफलेस. आगे पॉइट बोलता है लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट. चलो शाम के टाइम कैसा होता है, शाम के टाइम में स्ट्रीट्स में आपको ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे, क्राउडलेस हो जाती है स्ट्रीट्स, जहां पे बहुत कम एक या दो लोग आपको बाहर नजर आएंगे, सब अपने घरों को चले जाते हैं. अपने यहाँ पे संध्या का टाइम होता है, आरती का टाइम होता है, तो सब लोग अपने घरों को रिट्रीट हो जाते हैं इवनिंग सेरेमनीज के लिए. तो वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में कि इवनिंग के टाइम पे सब लोग अपने अपने घरों में रिट्रीट हो जाते हैं, ऑफिस से आ जाते हैं, सब लोग अपने काम से आ जाते हैं. इसलिए द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स. और शाम के टाइम पे अगर हम देखते हैं उन गलियों से होते हुए हम गुजरते हैं तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो मटर करते हुए चलते हैं. मटर इज काइंड ऑफ बड़बड़ाते हुए. तो मटरिंग रिट्रीट मतलब वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने लाइफ के बारे में बात करते हुए, मटर करते हुए. ऑफ रेस्टलेस नाइट्स, जो भी उनकी रेस्टलेस नाइट रही है उसके बारे में शायद वो बात कर रहे हैं. इन वन नाइट चीप होटल्स, तो जहाँ पे वो लोग हो सकता है कहीं चीप होटल से होते हुए चीप होटल्स में रुक के आ रहे हो, जो लोग घरों की तरफ रिट्रीट हो रहे हैं ना, हो सकता है दे स्टेड लास्ट नाइट इन अ चीप होटल और उस एक्सपीरियंस के बारे में मटर कर रहे हो, कुछ बड़बड़ा रहे हो. एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स, और फिर वहाँ पे वो रेस्टोरेंट्स का सीन बताता है, रेस्टोरेंट्स भी ऐसे जो कि सॉडस्ट है, मतलब हर जगह डर्टी है, डस्टी है, कुछ लकड़ी के बुरादे भी लकड़ियों से निकल रहे हैं, मतलब बहुत ही विदर्ड कंडीशन में रेस्टोरेंट को यहाँ पे बताया गया है. विद ऑयस्टर शेल्स, और वहाँ पे डिशेस हो सकता है सर्व की गई है. ऑयस्टर इज अ काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं वाटर एनिमल, जिसका आउटर लेयर हटा के उसका इनर शेल को खाया जाता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑयस्टर शेल्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, सो इस तरीके से सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स है, ऑयस्टर शेल्स डिशेज हैं, एंड स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट ऑफ इनसीडियस इंटेंट टू लीड यू टू ओवरवेलमिंग क्वेश्चन. ये जो स्ट्रीट्स है दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट, यहाँ स्ट्रीट्स में अगर आप चलते हो जाते हो लाखों, मतलब इतने लोग आपको मिल जाएंगे ना कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स ये लोग अगर आप भी करना चाहो या ये लोग जो आर्ग्यूमेंट करते हैं ना बहुत टीडियस सा होता है, बहुत थका देने वाला, बहुत बोरिंग सा होता है. ऑफ इनसीडियस इंटेंट, और उसका कोई इंटेंशन नहीं होता, ऐसे अनइंटेंशनल चीजें करते हैं. टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में डेफिनेटली बींग अ रीडर,
अगर हम इनिशियली पोइट्री को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है बींग अ रीडर और अ लिसनर कि पोइट क्यों हमें ऐसे स्ट्रीट से होते हुए जाने को बोल रहा है, और वो भी इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे जहाँ पे शाम हो रही है, रात हो रही है, शाम को एक एथराइज पेशेंट की तरह बताया गया है, हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट से होते हुए गुजरते हैं, कुछ लोग मटर करते हुए अपनी रेस्टलेस नाइट्स का, जो चीप होटल्स में उन लोगों ने बिताई है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हुए रेस्टोरेंट्स के बारे में बताता है जो कि कम्प्लीटली डस्टी है, डर्टी है, ऑयस्टर शेल्स डिशेस के बारे में बताता है, टीडियस आर्ग्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ की, और नाउ डे स्पेसिफिकली आफ्टर द टू वॉर्स जो हमारी लाइफ हो चुकी है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि हमारी लाइफ एक शाम की तरह हो चुकी है। आप एक कॉमनली, शायद मुझे जितने लोग आज इस वीडियो में सुन रहे हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल आर देयर जो कि हमेशा फुल ऑफ एंग्जाइटी रहते हैं, फुल ऑफ टेंशन रहते हैं, करियर की टेंशन होती है, फैमिली की टेंशन होती है, पैसों की टेंशन होती है, पोजेशन की टेंशन होती है, प्रॉपर्टी की, व्हीकल्स की, मोबाइल फोन्स की, ये करना है, वो करना है, अभी तो ये नहीं किया, बच्चों को पढ़ाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हमने अपने लाइफ में ऐसी पा ली है दैट वी फॉरगॉट टू लिव आर लाइफ, एंड वी ऑलवेज फील आर सेल्फ एज इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन दी वर्ज ऑफ इवनिंग, शाम के टाइम पे खड़े हैं जहाँ हमारे आसपास कोई नहीं है, और अगर आसपास कोई चीज़ है तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा ल्योर नहीं कर रही है, अट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो हमें ज़िंदगी जीने का शायद सबब नहीं सिखा रही है, राइट? सो दिस वे ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ओन फीलिंग, इंटरनल फीलिंग। अच्छा, यहाँ पे एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की कहानी नहीं है, यहाँ स्पीकर आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है जो इस तरीके के ट्रॉमा से गुजरता है, ठीक है? सो आगे चलते हैं। अब वो बोलता है कि हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं आपको इस तरीके से क्यों लेके जा रहा हूँ, लेकिन ओह डू नॉट आस्क मी व्हाट इज इट, लेट अस गो एंड मेक आर विजिट, मुझसे क्वेश्चन मत करो। अच्छा, इससे पहले कि हम कोई क्वेश्चन करें, कुछ जानने की कोशिश करें, हमें ये लगता है ये शायद नेक्स्ट आंसर में पॉइंट हमें, ये स्पीकर हमें ये बता दें कि वो हमें कहाँ लेके जाना चाहता है, उससे पहले ही वो ये चीज़ पुट कर देता है, डोंट आस्क मी एनीथिंग, बस मेरे साथ चलो, मेक अ विजिट विद मी। अब यहाँ पे पॉइंट एक रूम में जाता है, एक ऐसा रूम जहाँ पे माइकल एंजेलो की पिक्चर्स टंगी हुई है, सॉरी पिक्चर्स नहीं, द रूम इज फुल ऑफ वुमेन, इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। तो यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, एंड दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो इज बेसिकली एन इटालियन पेंटर, बहुत ही रिनाउंड और शानदार पेंटिंग्स करते हैं, अगर टाइम मिले तो गूगल पे उनकी पेंटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। माइकल एंजेलो इज वन अमंग द पेंटर्स जिनका डिस्क्रिप्शन आपको किसी ना किसी पोइट्री में, रेनेसा टाइम के जो पोइट्स हैं उनकी पोइट्रीज में डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? सो वो औरतें माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही है। अच्छा, उस टाइम पे व्हेन द पोइट यूज टू लिव इन 20th सेंचुरी, द पीपल लव्ड टू शो ऑफ अबाउट देयर नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, आर्ट के बारे में बात, चाहे पता हो ना हो दैट डजंट मैटर, बट हमें बात करनी है इन ऑर्डर टू शो ऑफ। तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो एग्जैक्टली माइकल एंजेलो के आर्ट स्किल, उसके स्पिरिट, उसकी सोल को नहीं जानती है, स्टिल दे आर टॉकिंग इन ऑर्डर टू शो ऑफ फॉर द वैनिटी। क्लियर है? सो दिस इज वॉट वी कॉल द सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, लव सॉन्ग ऑफ, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। तो उस रूम में क्या होता है, वहां का आप सिनेरियो यहाँ पॉइंट बताता है, जैसा हमारा मूड होता है वैसे ही हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आगे पॉइंट बोलता है, द येलो फोग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, द येलो स्मोक दैट रब its muzzle on the window panes, licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the pools that stand in drain, let fall upon its back the soot that falls from chimneys, slipped by the terrace and made a sudden leap. Next is, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep. अब आगे क्या होता है, द पोइट इज टॉकिंग ऑल अबाउट द येलो फॉग, द येलो फॉग के बारे में बता रहा है। अब शाम के टाइम पे, अक्टूबर का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, शाम के टाइम पे स्मोग हो जाती है, स्मोग जो है वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं पोल्यूशन के साथ मिक्स होकर वो येलो कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, फॉग यूजुअली व्हाइट कलर की होती है, लेकिन यहाँ पे येलो फॉग है, दैट शोज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नेचर, कि नेचर में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन फैक्ट्रीज का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि जो फॉग है वो भी येलोइश हो चुकी है ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से। आप अभी शाम को जाके देखो। अच्छा, यू कैन ईजिली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इवनिंग ऑफ विलेजेस एंड सिटीज, विलेजेस में शाम के टाइम पे, सर्दियों में शाम के टाइम पे जो फॉग होगी वो थोड़ी वाइटिश होगी, ठीक है? सिटीज में शाम के टाइम की जो फॉग होती है, क्लाउड्स होते हैं, वो आपको हल्के येलोइश या डार्क ग्रे कलर की नजर आएंगे, वो ड्यू टू पोल्यूशन ही होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फैक्ट्रीज का, व्हीकल पोल्यूशन का, इन सब का इम्पैक्ट होता है। सो पॉइंट क्या बोलता है, द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन। अब वो बोलता है कि येलो फॉग जो है वो विंडो पेन, विंडो के जो ग्लासेस होते हैं ना, ग्लासेस होते हैं विंडो के, उस पे अपना बैक रब कर रही है। मतलब यहाँ पे येलो फोग को परसोनिफाई किया गया है, एज अ ह्यूमन बताया गया है, येलो फोग इज अ पार्ट ऑफ नेचर, नेचर का पार्ट है, येलो कलर की है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी पीठ को, अपनी बैक को रब कर रही है अगेंस्ट द विंडो पेन्स।
द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन. फिर ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि जो येलो स्मोक में वो रब कर रही है, येलो स्मोक जो है वो रब कर रही है अपने मजल को ऑन द विंडो पेन. मजल इज काइंडली हम देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, मजल किसी भी एनिमल के फ्रंट माउथ को बोला जाता है. ठीक है, तो जैसे कैट्स नहीं होते, आप लोगों ने कैट को देखा होगा अगर वो विंडो से या गेट के अंदर झांक रही होती है तो अपनी मजल को रब कर रही होती है अगेंस्ट दैट विंडो पेन और गेट. तो उस तरीके से वो येलो स्मोक भी गेट की तरह, कैट की तरह वहां पे अपने मजल को ठीक है रब कर रही है, उससे देख रही है, अंदर आने की कोशिश कर रही है इस तरीके से. बट वी कैन नॉट लेट द कैट और द स्मॉग इन. लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग. ऐसा लग रहा है जैसे शाम जो है अपनी टंग को लिक कर रही है इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग. तो इवनिंग के कॉर्नर्स में वो जो येलो स्मॉग है ना अपनी टंग को लिक करते हुए नजर आ रही है. तो जैसे कैट अपनी टंग को लिक करती है ना किसी भी चीज को, अगर कोई चीज हम उसके सामने रख देते हैं खाने पीने की, तो वो स्टार्ट कर देती है लिकिंग इट्स टंग. तो वैसे ही जो स्मॉग है वो अपनी टंग को जो है वो लिक कर रही है इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग. लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन द ड्रेन्स. वो लिंगर कर रही है, जो स्मॉग है हर जगह आपको नजर आ जाएगी लिंगर करती हुई. लिंगर मतलब लटकते रहना, तो हर जगह लिंगर करती हुई नजर आ जाएगी. आगे पॉइंट बोलता है स्पीकर, लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम द चिमनीज. और ऐसा लग रहा है जैसे ये येलो फोग ना चारों तरफ लिंगर कर रही है और इसकी पीठ पे, इसकी बैक पे फॉल हो रहा है सूट फ्रॉम द चिमनीज. सूट इज बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो चिमनीज फैक्ट्रीज में या फिर किचन में जो चिमनी लगाई जाती है उसमें से पोल्यूशन निकलता है. ठीक है, धुआं निकलता है, उस धुआं के साथ साथ आपको कुछ पोल्यूशन के पार्टिकल्स भी नजर आते हैं, छोटे छोटे कंकर या ऐसे कुछ नजर आते हैं, तो उसको सूट बोला जाता है. ठीक है, सो दैट सूट फॉल्स फ्रॉम द चिमनीज all upon its back, all upon its the fog's back. Slipped by the terrace. वो terrace से slip होते हुए, मतलब जो स्मोग है वो terrace से गुजरते हुए made a sudden leap. एकदम से किसी और के घर में झांक के देखती है. ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट ने स्मोक का डिस्क्रिप्शन बताया और उसे कंपेयर किया है विद द कैट. Personification है. फिर पॉइंट क्या करता है, आगे झांक के देखता है. देन ही सीज, वो देखता है दैट इट वॉज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फॉल अस्लीप. तो जो स्मोग है वो उसको देखता है कि किस तरीके से वो हाउसेज में कर्ल करते हुए जाती है और कहीं एक पॉइंट पे आके ढल जाती है या खत्म हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टांजा जहां पॉइंट इज कंपेयरिंग स्मोग. अब यहाँ पे स्मोग, स्मोक प्लस फोग का कॉम्बिनेशन है. लेट मी टेल यू, स्मोक, स्मोक कम्स फ्रॉम योर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, धुआं आता है, पोल्यूशन आता है, प्लस आपका हो गया फोग जो नेचर का पार्ट है. तो नेचर के कॉम्बिनेशन से, नेचर प्लस पोल्यूशन. अभी आप देख सकते हो हमारे सिटीज में, टाउन्स में जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, शोरूम्स, मॉल्स, ये सब कुछ ज्यादा होते जा रहे हैं. ठीक है, तो नेचर तो कहीं पीछे रहता हुआ जा रहा है, प्लस ये सारी चीजें, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से हम लोग शायद रोबोटिक्स बन चुके हैं. हमारे अंदर की जो नेचुरल सेंस ऑफ इमोशंस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती जा रही है. तो स्मोक को फॉग के साथ कंबाइन करके यहाँ पे पॉइंट ने बताया है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री को शो कर रहा है, वॉर्स को शो कर रहा है, हमारी लाइफ की क्योर्स को शो कर रहा है कि किस तरीके से हम नेचर की तरफ भागना चाह रहे हैं, पर नेचर के पास जाने के, हम नेचर के पास जाएंगे तो मॉडर्निज्म से दूर भागेंगे और मॉडर्निज्म के पास जाएंगे तो नेचर से दूर भागेंगे. ठीक है, और यहाँ पे जो नेचर है, स्मोक जो है आपने देखा होगा किस तरीके से लटक रही है, इधर उधर जा रही है कर्ल करने की कोशिश कर रही है कि शायद तुम लोग समझ जाओ, ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर जाए कि नेचुरल चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट समवेयर वी इग्नोर दैट, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तो ठीक है वो स्मोक भी जाके साइड में सो जाती है, वो भी इग्नोर कर देती है. अब नेचर भी कितना अपनी तरफ से अपलिफ्ट करेगा, ठीक है, फिर वो भी साइड लाइन हो जाएगा. तो दिस इज वॉट वी कॉल द सेकेंड स्टांजा. नाउ वी डू हैव थर्ड स्टांजा. अब देखते हैं स्पीकर हमें क्या बताता है. एंड इनडीड देयर विल बी टाइम फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन. There will be time, there will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. There will be time to murder and create and time for all the works and days of hands that lift and drop a question on your plate, time for you and time for me. And time yet for 100 indecisions and for 100 visions and revisions before the taking of a toast and a tea. In the room the women come and go talking of Michelangelo. So, ये देखते हैं poet किस बारे में बात करता है. So, now the poet says कि And indeed, there will be time for the yellow smoke that slides along the street. और कुछ टाइम ऐसा होता है जब स्ट्रीट्स में भी आपको स्मोक नजर आ जाता है. तो यहाँ स्मोक नहीं, अब स्मोक ही नजर आता है, येलो स्मोक, कंप्लीट पोल्यूशन, धुआं. सो रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, जो अपने जो विंडो पेन्स होते हैं उसमें अपना बैक रब करते हुए फिर से आपको दिख जाएगा स्ट्रीट्स टू. देर विल बी टाइम, देर विल बी टाइम. अब पॉइंट बोल रहा है कि मेरे पास बहुत टाइम है. देर विल बी टाइम, देर विल बी टाइम. समटाइम्स वी ऑल्सो थिंक, हमारे अंदर एक हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन डेवलप हो जाती है.
क्या होता है बेसिकली, हम हर चीज को डिले करते रहते हैं. जो चीज आज करनी है वो हम कल करेंगे, जो कल करनी है वो परसों करेंगे. तो ये जो हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनबिल्ट हो चुकी है, जो हम इस कैरेक्टर के थ्रू भी देख सकते हैं. तो ये कैरेक्टर क्या बोलता है, देर विल बी टाइम, देर विल बी टाइम. बहुत टाइम मेरे पास, बहुत टाइम है, इनफ टाइम आई डू हैव टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट. कि मैं अपना जो काम मुझे आज करना है ना, अब वो काम क्या करना है वो पॉइंट आगे बताएगा. मुझे जो काम करना है उससे पहले मैं कई लोगों से और मिल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, अपना टाइम पास कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है. देर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट. मेरे पास इतना टाइम है, इस टाइम में मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ, किसी चीज को खत्म भी कर सकता हूँ, क्रिएट भी कर सकता हूँ. सो यहाँ पे मर्डर एंड क्रिएट में द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ हैज बीन शोन. ठीक है. एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क एंड डेज ऑफ हैंड्स. पूरे दिन का जो काम होता है ना, मैं इजिली उसको कर सकता हूँ, इजिली अटेम्प्ट कर सकता हूँ. दैट लव लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट. जो मेरे सामने जिंदगी के लाखों क्वेश्चन रखे हुए हैं, मैं उनको सॉर्ट कर सकता हूँ. मेरा जो इंपॉर्टेंट काम है उनको करने से पहले मैं ये सारा कर सकता हूँ. अच्छा, देयर इज टाइम इन आवर लाइफ कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, बींग अ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, सामने बुक रखी हुई है, अरे यार थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेते हैं, अरे यार थोड़ी देर फेसबुक चला लेते हैं, अरे तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, थोड़ी चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, वॉशरूम जा जाते हैं, पानी पी लेते हैं, अच्छा इससे तो बात की नहीं, उससे बात कर लेते हैं. तो जो काम इंपॉर्टेंट है वो करने से पहले हम इतना टाइम खराब कर चुके होते हैं कि जब वो टाइम, वो काम करने का जब हमारा टाइम आता है ना, तो वो हम उस टाइम पे आके हमें ये रियलाइज होता है कि हम बहुत आगे आ गए हैं और टाइम बहुत पीछे छूट चुका है. तो यहाँ पे स्पीकर है, उसके साथ भी यही हो रहा है. वो कभी बोल रहा है कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, चीजों को डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपना जो दिन भर का काम है वो खत्म कर सकता हूँ, मैं मेरे क्वेश्चंस है लाइफ से रिलेटेड वो मैं सॉर्ट कर सकता हूँ. टाइम फॉर मी एंड टाइम टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी. मेरे पास बहुत टाइम है तुम्हारे लिए और मेरे लिए. एंड टाइम बियर्ड फॉर 100 इंडिसीजंस. और इतना टाइम है ना, इतना टाइम है कि मैं 100 बार किसी चीज को डिसाइड ना करके और फिर उसके बारे में सोच सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ. एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, विजन्स के लिए, रिविजन्स के लिए मेरे पास बहुत टाइम है. बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी. सो बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी का मतलब होता है द स्पीकर वॉन्ट्स, रियली वॉन्ट्स टू गो ऑन अ डेट विथ हिज टू बी बिलवड. हम बोल सकते हैं अपनी बिलवड के साथ वो डेट पे जाना चाहते हैं फॉर अ कप ऑफ टी एंड टोस्ट. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उस चीज़ को डिले करते जा रहा है, करते जा रहा है. कभी बोलता है मेरे पास बहुत टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है उसके साथ डेट पे जाने को, उसको प्रपोज करने को, या उसको अपने दिल की बात बोलने के लिए. आई डू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. और इतना टाइम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को खराब करके क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, मेरी लाइफ के से रिलेटेड इन डिसीजंस के बारे में सोच सकता हूँ, विजन्स के बारे में सोच सकता हूँ, चीज़ों को रिवाइज कर सकता हूँ. तो आई डू हैव मच टाइम बिफोर गोइंग ऑन अ डेट विद माई टू बी बिलवड. आगे पॉइंट दोबारा से वही लाइन सेम रिपीट कर रहा है. इन द रूम द वेमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो. ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं हम. अच्छा, दिस इज द लास्ट स्टांजा फॉर टुडेज वीडियो. बहुत लंबी पोइट्री है और समझने को बहुत कुछ है. हर एक स्टांजा में हमारी लाइफ से रिलेटेड चीजें जो स्पीकर है वो बता रहा है. ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे क्या शो करता है पॉइंट. And indeed, there will be time to wonder, do I dare, do I dare? Time to turn back and descend the stair with a bald spot in the middle of my hair. They will say, how his hair is growing thin. My mother coat, sorry, not mother. Okay, so my morning coat, my color mounting firmly to the chin, my necktie rich and modest but accented by a symbol pin. They will say, but how his arms and legs are thin. Okay, do I dare disturb the universe? In a minute, there is time for decisions and revisions which a minute will reverse. A point hamari ek sense of hota hai na hamare andar lack of confidence. इंट्रोवर्ट होते हैं, हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होते हैं, सब कुछ होता है, सूट बूट टाई वाई सब कुछ, बूट वूट सब कुछ पहने हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है. उसी की बात कर रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की पॉइंट यहाँ पे. तो बोलता है इन डीड देर विल बी टाइम, आई वंडर डू आई डेयर डू आई डेयर. बहुत टाइम है मेरे पास, लेकिन क्या मुझ में इतनी हिम्मत है, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है. सो डू आई डेयर डू आई डेयर. हम हमेशा, हमारे पास प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, डिग्री विग्री सब होती है, बट वी आर समटाइम्स ऑन अ पॉइंट वी आर फेल टू प्रेजेंट आर सेल्फ, वी आर फेल टू प्रेजेंट आर नॉलेज, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है. हम हमेशा हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पुट करके चलते हैं, शायद इसीलिए कई लोग पीछे ही रह जाते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मच नॉलेज एंड सो मेनी डिग्रीज विद. सो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पॉइंट पुट कर रहा है इन हिज ओन सेल्फ कि क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ. टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर. क्या मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं यहाँ से नीचे की तरफ उतर सकता हूँ, स्टेयर्स में से डिसेंड कर सकता हूँ, नीचे उतर के मेरी बिलवर के पास जाकर मैं उसको प्रपोज कर सकता हूँ. क्या मेरे में इतनी हिम्मत है. लेकिन तभी पॉइंट क्या
तभी स्पीकर अपने आप को मिरर में देखता है और वो सोचता है ऐसा, विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, कि मेरे हेयर में एक बाल्ड स्पॉट है. मतलब कई बार हो जाता है व्हेन वी टर्न टू 40, हम जब 40 की तरफ टर्न होते हैं फ्रॉम 30s, तो 30s के बाद की जो एज होती है हमारी बॉडी डीके होना शुरू हो जाती है, 40 के बाद ज़्यादा हो जाता है. तो पॉइंट, जैसे मैंने बोला था, ये जो पॉइंट है, स्पीकर, सॉरी, स्पीकर जो है वो अपनी 40s में है, ठीक है. तो उसे आप एक जगह स्पॉट होता है, एक बाल्ड स्पॉट इन हिज हेयर, कि उसके बालों में गंजापन आ चुका है, बाल उड़ चुके हैं, ठीक है, विच मीन्स ही इज एजिंग. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग इज ऑल्सो शोन. दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन. अच्छा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं सूट बूट टाई वाई सब कुछ पहने रहूंगा, लेकिन बाल्ड स्पॉट को देख के लोग तो ये सोचेंगे ना कि मैं गंजा क्यों हो रहा हूँ. एंड दैट गंजापन इज अ बिग बिग बैंग इशू इन आर जनरेशन, हमारी जनरेशन का एक बिग बैंग इशू है. थोड़ा सा ऑफ होके मैं बात करूंगी इस पॉइंट पे. यू मस्ट हैव वॉच द मूवी बाला, आयुष्मान खुराना की बहुत ही अच्छी मूवी है, नहीं देखी है तो देखना. हमारी रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हम सिर्फ हमारे फिजिकल जेस्चर को देख के या लोगों के फिजिकल जेस्चर को देख के हम उनको जज करते हैं. इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग हेयर, क्वेश्चन मार्क, अरे इसका तो बाल ही नहीं है, गंजा है, पतले बाल है, पतले बाल है, घने बाल है तो घने बाल है. मतलब हर पॉइंट पे देर आर क्वेश्चन, और ये चीज़ होती है अगर हम उन क्वेश्चन के बारे में सोचने लग जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते इन लाइफ, हम वहीं पे रुके रहते हैं, सोचते रहते हैं मैं तो गंजा हो गया, मेरे तो हेयर ग्रे हो गए, मैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मेरी तो स्किन डल हो रही है, इन सारी चीज़ों को सोच के हम वहीं पे, अच्छा ऊपर उठना चाहते हैं बट फिर से हम नीचे की तरफ आ जाते हैं. सो इन क्वेश्चन मार्क्स मार्क्स की वजह से. तो स्पीकर यहाँ पे बोलता है कि वो लोग बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे तो बाल ही पतले हो रहे हैं, मैं तो गंजा हो रहा हूँ. माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फॉर्मली टू द चिन. अच्छा, मैंने जो सूट बूट पहना हुआ है बहुत शानदार पहना हुआ है, कोट मेरा बहुत शानदार है, कॉलर जो है मेरी शर्ट की माउंटेड अप है टिल चिन, मतलब अच्छे से हाई नेक्ड जो शर्ट है वो पहन रखी है बहुत अच्छी खासी. माई नाइक नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट, और जो मेरी नेक टाई है वो रिच है, मॉडेस्ट है, मतलब पैसे वाला है बंदा, बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन, और बहुत ही सिंपल सी मैंने उसमें पिन लगा रखी है टाई में. अब ठीक है, सूट बूट टाई वाई सब कुछ पहन रखा है इसने, लेकिन फिर से एक क्वेश्चन, दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन. सूट बूट टाई वाई सब कुछ पहन रखा है, लेकिन लोगों का ध्यान मेरी ड्रेसिंग सेंस पे ना जाके मैं कितना पतला दुबला हो गया उस पर जाएगा. एंड इट हैपेंस, आप कितने अच्छे से ड्रेस्ड अप हो जाओ, देर आर पीपल अराउंड जो आपकी किसी ना किसी चीज़ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, ये कपड़े से मैच नहीं हो रहे. अच्छा, जो कपड़े पहने हुए हैं अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, उनके ड्रेसिंग सेंस पे नहीं जाएंगे उनके, अरे पतला हो गया, दुबला हो गया, तेरे रिंकल्स बढ़ गए, तेरे हेयर ग्रे हो गए, अरे तू तो इधर उधर, मतलब तुम्हारा तो मुंह ऐसा हो गया, तुम्हारा तो फेस ऐसा हो गया, तुम्हारे तो हाथ पर ऐसे हो गए, ये वो सारी कमेंट्स आपको सुनाई देंगे. अगर आपने उन लोगों की बात सुनी तो जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की तरह आप भी वहीं खड़े रह जाओगे, डिले करने लग जाओगे, तैयार हो गए घर पर बैठे रहोगे, बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ठीक है, अगर सिर्फ ये सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे. अगेन ही सेज, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकूँ. अच्छा, यूनिवर्स इज कंसिडर्ड हियर इन हिज बिलवड, वो अपने बिलवड को एड्रेस कर रहा है एज यूनिवर्स, कि क्या मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी बिलवड को डिस्टर्ब कर सकूँ, इस यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकूँ. इन अ मिनट देर इज टाइम, बहुत टाइम है मेरे पास फॉर डिसीजन एंड रिविजन विच एम मैनेजेबल रिवर्स, मेरे पास टाइम है, आई कैन रिवाइज, आई कैन टेक मोर डिसीजन, आई कैन थिंक मोर बिफोर गोइंग अहेड, कि मैं बोलने से पहले हज़ार बार सोच सकता हूँ. अच्छा, ये जो प्रॉब्लम थी ना, आज नहीं कल कल नहीं परसों परसों नहीं उसके अगले रोज, मेरे पास इतना टाइम है सोचने समझने में कैलकुलेशन, ये प्रॉब्लम हैमलेट में भी थी. हैमलेट ग्रेटेस्ट ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में हैमलेट में भी सेम प्रॉब्लम होती है. हैमलेट भी बहुत ज़्यादा सोचता है एक्शन लेने से पहले, है ना, और वो उसके प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि लास्ट में बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं वो भी मारे जाते हैं. एंड इट हैपेंस, जब हम काम करने में, जो काम आज होना चाहिए उसको करने में डिले करते रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में. लेकिन ओथेलो की तरह भी नहीं होना हमें. ओथेलो इज बेसिकली द अनदर ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर. ओथेलो के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, क्विक डिसीजन, आज सोचा अभी के अभी एक्ट कर दिया, तो वो भी थोड़ा गलत होना चाहिए. एक्ट करने से पहले सोचना चाहिए, पर इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि वक्त ही निकल जाए, ठीक है. तो जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की तरह नहीं करना चाहिए कि एज निकलती जाए, पतले दुबले होते जाए, दर्द होते जाए, रिंकल्स पड़ते जाए, और वो जिससे आप द पर्सन टू होम यू आर इन लव विद वो किसी और के साथ चले जाए, राइट. सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. आज दिस वीडियो हैज़ टेक टू लॉन्ग टाइम, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया. नेक्स्ट के लिए आई अपडेट यू नेक्स्ट.